चाय रख दो। ये थी पहाड़गंज की आम सुबह, जहां धीमी धीमी ठंड और आती हुई गर्मी के मौसम का सभी लुफ्त उठा रहे थे और इस सुहाने मौसम के साथ संडे की सुबह का मजा उठाते हुए कैलाश जी अपने दोस्त के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संडे और सुबह की चाय, यही तो है असली कमाई। क्यों विनोद, ये भी कोई बोलने की बात है कैलाश? वैसे बहू, अगली बार मेरी चाय जरा फीकी बनाना, चीनी जरा ज्यादा पड़ गई थी। लग रहा था मानो किसी ने चाय में चाशनी घोल दी हो, बस रसगुल्ला डालने की देर थी। मेरे घर चल, तेरे भाभी के हाथ की चाय पिलाता हूँ तुझे। भाभी के हाथों की चाय की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, सब कुछ एकदम सही मात्रा में। मजाल है स्वाद इधर से उधर हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। और चाय पीकर विनोद अपने घर चला जाता है। वैसे पापा, चीनी भी कुछ ज्यादा नहीं थी चाय में। हाँ, दूध जरा कम लग रहा था। ये दूध वाला भी ना आजकल बड़ा खराब दूध ला रहा है, आधे से ज्यादा तो पानी मिला रहा है। इसके दूध में अब से चाय बनेगी ना तो दूध में पानी मत मिलाना। वैसे भी आजकल चाय काफी पतली बन रही है। सभी नसीहतें सुनकर टेबल से सभी के झूठे कप उठाकर नेहा किचन में जाती है। हाँ, जैसा नेहा तो सबकी पर्सनल काम वाली है ना, और एक घर से लेकर आए थे क्या अपने? मुझे आँख खुली नहीं कि चाय का प्याला चाहिए सबके हाथ में। चाय चाहिए भाई, वो भी कोई उछकर नहीं ले सकता। चाय बना दो, हाथ में दे दो। तो ऐसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं चाहिए, वैसी है, हद हो गई। अपने ससुराल वालों की चाय पीने की आदत से परेशान नेहा खुद से बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए उसकी नंद प्रीति वहाँ पहुँच जाती है। अरे कोई घर पर है कि नहीं? अरे प्रीति, आजा आजा, कितने दिनों के बाद आई है तू। अरे पूरी सूख गई है तू। दामाद जी कैसे हैं और बाकी सब कैसे हैं ससुराल में? अरे बैठने तो दो मम्मी, इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हूँ, थक गई हूँ। चाय पिला दो ना भाभी, तो थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। अरे नेहा, देख तेरी ननद आई है, दो कप चाय रख दे। जी पापा जी, रखती हूँ चाय। चाय के कप उठाते ही मुझे पता था कि अभी मुझे फिर से चाय सर्व करनी पड़ेगी। तो ये तो एक ट्रेलर मात्र था, वरना हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ पर एक भी चाय का दीवाना न रहता हो और इसी तरह कुछ चाय के शौकीनों के घर में बहू बनकर आ जाती है नेहा। सवेरे सवेरे अपनी नंद के साथ बाकी सबको चाय पिलाकर चाय के कप उठाकर धोने नेहा जैसे ही किचन में जाती है कि विक्रम कहता है, संडे भी ना कब पार हो जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो लग रहा है अभी तो उठाता मैं, नहाने भी जाना है, क्या करूं, नहाऊं कि छोड़ दूं? अरे क्या छोड़ दूं, हफ्ते में तो तू एक दिन नहाता है, कौआ कहीं का, जा जाकर नहा पहले। अच्छा अच्छा, मैं गीजर ऑन करके आता हूँ। सुनो ना, जब तक पानी गर्म होता है नेहा एक कप चाय रख दो। बहू चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना दो, एक कप मैं भी पी लूंगी। मौसम से ना अभी ठंडी गई नहीं है, गला भी ना जरा भारी भारी हो रहा है। अच्छा नेहा चाय बना रही हो तो मैं भी एक घूट पी लूंगा, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही। फिर से चाय? ओहो, परेशान होकर नेहा झूठ कह देती है। दूध नहीं है पापा जी, दूध खत्म हो गया है, चाय नहीं बन पाएगी। तुम नहा लो ना विक्रम। लो बताओ, अब दूध खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ बहू, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये कहकर जैसे ही कैलाश घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सामने दूध वाला दूध लिए खड़ा है। बिल्कुल सही समय पर आया है तू। अरे देख बहू, दूध वाला आ गया, अब तो तू चाय बनाएगी ना? मैं दूध ले रहा हूँ, जल्दी से चाय बनाने के लिए चढ़ा दे। देखिए, अब जो भी चाय पिएगा अपना कप अपने पास ही रखेगा, बार बार धोना मुझसे नहीं होता। कोई बाहर से आ जाए तो उसे देने के लिए कप ही नहीं होता, क्योंकि सारे कप तो धोने में ही होते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। देखो भाई, सब लोग अपना अपना कप अपने पास रखो, मैं तो एक ही कप में सुबह से रात तक चाय पीता हूँ। बहू भी अकेली बिचारी क्या क्या करेगी, जिससे देखो सब उसका काम बढ़ा देते हैं। सब समझ गए ना? जा बहू, जल्दी से चाय चढ़ा दे वरना पानी गर्म हो जाएगा,
विक्रम को नहाने भी तो जाना है। नेहा करती भी क्या, किसी को उस पर तरस ही नहीं आ रहा था। और हमेशा की तरह वो किचन में जाती और बड़बड़ करती हुई चाय बनाने लगती। सुबह के 11:30 बज गए हैं और 8वीं बार चाय बना रही हूँ मैं। और फिर इनको नाश्ता अलग चाहिए, दोपहर का खाना अलग चाहिए, स्नैक्स अलग चाहिए। और जिस तरह सब 24 घंटे चाय 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 पीते रहते हैं, मुझे तो लगता है गैस पर चाय चढ़ाकर छोड़ दूं मैं। इतना इरिटेट होने के बाद भी नेहा चाय बनाकर सभी को देती है और खुद भी चाय पी रही होती है कि तभी प्रीति टिप्पणी करती हुई कहती है, सुबह में तो मैंने कुछ नहीं बोला नेहा, पर अब से ध्यान रखना, मैं दूध वाली चाय नहीं पीती, ओके? आई हैव ओनली ब्लैक टी। डाइट भी तो देखनी पड़ती है ना, अब तुम्हारी तरह पेट निकाल कर तो घूम नहीं सकती ना मैं, तुम्हारे जीजा जी को पसंद नहीं है। अरे तो खुद क्यों नहीं बना लेती? सभी का चाय नाश्ता करा कर नेहा किचन में दोपहर का खाना बनाने जाती है। रज्जो हॉल में टीवी में भजन लगाकर सुनने लगती है। प्रीति अपने फोन चलाने लगती है और कैलाश इधर उधर टहल रहा होता है। तभी अपना लैपटॉप लिए विक्रम अपने कमरे से बाहर आता है। जरा टीवी की आवाज धीरे करो मम्मी, बहुत सर फट रहा है। टीवी को म्यूट कर प्रीति, देख विक्रम के सर में कैसे दर्द चढ़ा आया। एक संडे का दिन मिलता है आराम करने को, पर मेरे बॉस को उसमें भी हमें नहीं छोड़ना है। नहा रहा था, ऑफिस से फोन आ गया, अभी के अभी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है एचआर ने। इतना सर दर्द में मीटिंग कैसे करूं मम्मी? अरे तू रुक, अभी इलाज करती हूँ तेरे दर्द का। एक कप कड़क चाय पिएगा ना तो तेरा दर्द यूं फुर हो जाएगा। भाभी एक कप अदरक और तेज पत्ता डालकर चाय तो बना दो, विक्रम के सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। सच में ये काम करेगा क्या प्रीति? अरे मम्मी पूछो मत, इनको तो अदरक पाली की प्रॉब्लम है ना, पूरा दिन सिर में गमछा बांधकर इधर उधर घूमा करते थे। फिर एक दिन मैंने मेरी ये स्पेशल चाय बनाकर पिलाई, ओहो इसके बाद मजाल है कि इनके सिर में कभी दर्द हुआ हो। तुम भी पियो ना मम्मी, तुम्हारे घुटने के दर्द के लिए भी बड़ा फायदा करेगा। किचन में काम करती हुई नेहा हॉल में हो रहे ड्रामे को सुन रही थी। अरे हद हो गई यार, दिन भर इनका चाय का प्याला कम था कि अब दोपहर में भी चाय चाहिए। दीदी जो चाय आपने अभी बताई ना उसकी रेसिपी तो मैं जानती नहीं, हो सकता है मुझसे 19-20 हो जाए, इसलिए आप ही बना दीजिए ना। 2 दिन नहीं हुए मुझे आए हुए और काम करने को बोला जा रहा है। बेटी का तो यही जीवन है मम्मी, ससुराल से काम करते हुए आओ और मायके में आते ही किचन में घुस जाओ। गलती हो गई मेरी, जो मेरे सर में दर्द था हो गया, रहने दो नया, मैं बाहर जाकर चाय पी लूंगा। मैं मरती भी रहूं तब भी लोगों को चाय चाहिए चाय। और इस तरह रोज नेहा के ससुराल में एक बार गैस से चाय उतरती तो दूसरी बार फिर चढ़ जाती। इसी में दिन बीत जाता है। जब भी घर में कोई बात होती तो नेहा से सीधे यही कहा जाता, बहू चाय रख दे। नेहा खुद में बड़बड़ाती जाती और काम करती जाती। पर हद तो तब हो गई जब एक दिन सुबह के 4 बजे नेहा के कमरे का दरवाजा धनधनाने लगा, जब कैलाश जी दरवाजा बजा रहे थे और नेहा को आवाज लगा रहे थे। बहू, ए बहू। हाँ, 8 बज गए क्या? नहीं नहीं बहू, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। ओ तो इस वक्त आप यहाँ पापा जी, मम्मी जी को, हे भगवान उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं बहू, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी, वो तो मेरी आज आँख जल्दी खुल गई तो सोचा चाय पी लूं, जरा चाय चढ़ा दे बहू। ये सुनकर नेहा के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलती। निकलती भी तो कैसे, सुबह 4 बजे ऐसी बात सुनकर कोई बोले भी तो क्या बोले। और इसके बाद नेहा के सबर का बांध टूट जाता है और वो बिस्तर लगाकर किचन में ही बैठ जाती है। अरे ये बहू को आज क्या हो गया है, किचन में ही बिस्तर लगा लिया है उसने। उसे वही सुविधाजनक लग रहा होगा रज्जो जी, और क्या। सभी को सबक सिखाने के लिए नेहा किचन में बेड लगा लेती है, पर उसकी इस हरकत से किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती। उसी शाम अचानक राज गुस्से में अपने ससुराल आता है। ये क्या हरकत है प्रीति, मुझे बिना बताए छोटी सी बात पर तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। 10 दिन से फोन कर रहा हूँ, न फोन उठा रही हो न मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। नहीं रखना रिश्ता तो साफ साफ कह दो,
मैं भी और इस रिश्ते में फंसकर नहीं रहना चाहता। हर बार का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। इस बार मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ये लो डिवोर्स के पेपर्स, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर देना। अरे प्रीति, तुम दामाद जी से झगड़ा करके हमारे यहाँ आई थी? नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसे आप ये सब क्या बोल रहे हैं दामाद जी, इसे तो बुद्धि नहीं है। आप तो समझदारी वाली बात कीजिए, छोटी सी बात से रिश्ता नहीं टूटा करते। हाँ दामाद जी। और एक ही पल में अचानक ही पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। उसी बीच में नेहा कहती है, ओह लगता है ये लंबा चलेगा, तो चाय रख दो जीजा जी, पापा जी तो पियेंगे ही। दीदी की ब्लैक टी, हाँ तो 5 कप बना देती हूँ। अरे बहू, ये कोई वक्त है चाय पूछने का? आग लगे चाय को, अब इस घर में कोई कभी चाय नहीं पिएगा। दामाद जी, पहले आप इस मैटर को सॉर्ट कीजिए। मैटर का क्या है? मैटर तो सॉर्ट हो गया ससुर जी। और राज जिस काम से अपने ससुराल आया था वो तो उसने पूरा कर दिया था। जैसे ही कैलाश चाय को राम राम करता है, राज अपनी भाभी को आंख मारता है। तो उठिए प्रीति जी, चलिए अपने ससुराल। रोती हुई प्रीति दरवाजे से बाहर चली जाती है और चुपके से राज अपनी भाभी के कानों में कहता है, बचा लिया ना आपको भाभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।